हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जिले के अंदर लगातार घट रही कंठी, तिमनिया और सोने के आभूषण लूटने की वारदातों पर अंकुश लगाते हुए पुलिस ने कालबेलिया गैंग के 4 लोगों को गिरफ्तार कर 50 से अधिक वारदातों का खुलासा किया है, जिसमें मोटरसाइकिल चोरी की भी घटनाएं शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक राहुल प्रकाश ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि पिछले लंबे समय से पाली जिले में चोरी, नकबजनी, लूट की लगातार घटनाएं घट रही थी। इन घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ज्योति स्वरूप शर्मा के नेतृत्व में सदर थाना प्रभारी सुरेश चौधरी, रोहित थाना प्रभारी अरविंद कुमार और सिरियारी थाना प्रभारी रामनिवास को शामिल कर एक टीम का गठन किया था, जिसमें साइबर सेल सहायता लेते हुए लगातार इस टीम ने आरोपियों का पीछा करते हुए कालबेलिया गैंग का खुलासा किया है। ये लोग दिन के समय मोटरसाइकिल पर आकर घटनास्थल पर अंजाम देने से पहले रेकी किया करते थे। रात को मौका देखकर घर में सो रहे महिला या परिजनों पर प्राणघातक हमला कर सोने के आभूषण लूटने के अलावा चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। इस गठित टीम ने पाली के अलावा राजसमंद, भीलवाला के अलावा अन्य स्थानों पर भी छानबीन की थी और रोहित थाना क्षेत्र के ओम बन्ना के स्थान पर 4 संदिग्ध अभियुक्ति से पूछताछ की तो इन लोगों ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया था। तब पुलिस ने इन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ प्रारंभ की थी। लगातार की गई पूछताछ के बाद पुलिस ने भीलवाड़ा जिले की कालबेलिया गैंग के 4 लोगों को हिरासत में लिया। इन लोगों से लूट और चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए 50 अधिक वारदातों को खोला है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गैंग से अभी और पूछताछ की जा रही है, जिसमें जिले की कई घटनाओं के खुलने की संभावना व्यक्त की गई है। इस गैंग ने पाली के अलावा राणावास जैतपुर, कलाली देवली, पाबूजी रायपुर राणावास के अलावा राजसमंद चित्तौड़गढ़ जिलों में भी घटनाओं को अंजाम दिया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस टीम में शामिल लोगों को प्रमोशन के लिए पुलिस विभाग को लिखा जा रहा है, वहीं इस टीम को नगद पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाएगा। जिसमें कि रात्रि के समय घरों में घुस करके सोती हुई महिलाओं की कंठी और उनके जो सर के ऊपर बौरा पहनते हैं वो, कानों में जो कुंडल पहनते हैं वो, उनकी लूट की गई थी और इस लूट की प्रक्रिया में उनको कई बार घायल भी किया गया था। इसके साथ में कई वारदातें ऐसी हुई थी जो कि रात्रि में ग्रामीण क्षेत्रों में नकबजनी की थी। कुछ वारदातें रामदेवरा मेले के दौरान हुई और कुछ उसके पहले से भी थी जो कि हो रखी थी और पेंडिंग चल रही थी। इन स्थितियों को देखते हुए एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसमें कि एडिशनल एसपी साहब ज्योति स्वरूप शर्मा और निशांत भारद्वाज अपने सीओ रूरल, इनके लीडरशिप में किया गया। और विशेष तौर पे जो इसमें काम करने वाले थे वो अरविंद कुमार SHO रोहट और राम निवास SHO सीरियारी, इन दोनों अधिकारियों को इसमें लगाया गया था। पद्मा राम जो कि साइबर सेल में हमारा काम करते हैं, उनको भी इस टीम के एक विशेष सदस्य के तौर पर नियुक्त किया गया था। इसके अलावा भी एक बड़ी टीम थी और एक दूसरे का सहयोग कर रहे थे ये लोग, लेकिन सबसे केंद्रीय भूमिका इन 3 अधिकारियों की इसमें रही। इन लोगों ने मुखबिरी के आधार पर सूचना एकत्रित करके कालबेलिया गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। ये 4 सदस्य मुख्य तौर पर भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ क्षेत्र के रहने वाले हैं। पाली से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।